तो इस बार वोट किसको देने का सोचा है? हमने तो इस बार भाई मोदी को देना सोचा है। किसको? मोदी को देंगे। 45 मरे थे, 350 उसकी उम्र हुआ। मैं इस हक में हूँ, प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम किया। ये बताओ, वोटर आईडी भी बन चुकी होगी? हाँ, बन चुकी है। तो इस बार वोट किसको देने का सोचा है? हमने तो इस बार भाई मोदी को देना सोचा है। मोदी ने क्या काम किया है? वो आतंकवादी को मिटाने की सोच रही है, यही अपने देश के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, गोमती नगर काफ़ी अच्छा बन चुका है और सिक्योरिटी लेवल भी बहुत टाइट है अपने लखनऊ का। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम रणनीति दिखा रहे हैं। कोई संदेश? संदेश यही कहना चाहेंगे कि हम भैया, जब तक आप अपने मन के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप आतंकवादी या दुश्मनी को नहीं मिटा सकते हैं। और कोई युवा क्या सोच रहा है मोदी के बारे में? मोदी के बारे कुछ में कुछ डिमांड होती है ना, जैसे कि हमारे जैसे होता है बहुत लोगों की है कि मोदी जी ने यूथ के लिए क्या किया? यूथ के लिए ये किया उन्होंने, यूथ के लिए तो इस समय मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं करा ना। उनको वैसे स्कॉलरशिप निकालनी चाहिए जहाँ तक है। तो गरीबों के लिए किया है, लेकिन 10% का वो निकाला है। हाँ, गरीबों के लिए निकाला है, वो अच्छी बात है। पर ये है कि GST वगैरह भी लगा दिया गया, तब से काम धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। तो तुम मतलब छोटे व्यापारी हो मतलब तरीके से? जी बिल्कुल। तो धंधा सही नहीं चल रहा GST? धंधा धंधा होता है चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहीं मतलब एक होता ना, मोदी जी ने कहा था कि जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं उनका क्या चल रहा, GST ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा उनको मुश्किलें आ रही है। उनको मुश्किल आ रही है, मतलब मुश्किल आ रही है। अब जो ग्रेजुएटेड और जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो ऑनलाइन भर सकते हैं, पर जो अनएजुकेटेड है वो नहीं भर पाएंगे ना। हाँ वही उनके लिए मुश्किल आ रही है जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वो सीधी चीज है, वो अगर समझ में आ जाए कोई करने लग जाए तो सही है। हाँ वैसे सही है, पर अभी थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लोगों को। अच्छा, स्टार्टिंग में तो हर चीज थोड़े टाइम बाद फिर उनको एकदम सूटेबल लगेगा GST के लिए। कहाँ से? अरे हम तो बैराज के रहने वाले हैं। वहाँ वोट दोगे? वहाँ देंगे। वो किसको? मोदी को देंगे। मोदी को दोगे? काम किया है? काम किया है। गाँव हम गाँव से आए हो गए, वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था है? सब कर दिया है। मतलब सरकार के आने के बाद हुआ है पहले से? नहीं, सरकार होने के बाद हुआ। मतलब मोदी सरकार के बाद ही सब हुआ? अच्छा चलो बढ़िया है, तब पे खुश हो, काम वाम हुआ है, रोड वोड बन रही है वहाँ पर? हाँ रोड बनी है। दादा ये बताइए, इस चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? भाई किसने काम हम किया कुछ समझ में आ रहा है कि देश बदला है? कुछ भी काम हो रहा हो, ये दो चार काम इसने मोदी ने अच्छे किए, मतलब मोदी के हक में हूँ। मोदी को समर्थन दे रहे हैं। वही क्यों? हाँ, एक तो पायलट छठवा दिया, पाकिस्तान वाले ने लिया था वो छठवा तुरंत, 45 मरे थे, 350 उसकी उम्र हुआ। मैं इस हक में हूँ, प्रधानमंत्री ने इसने अच्छा काम किया। या ना पहले के सरकारें नहीं कर पाती थी, पहले भी हमले हुए हैं लेकिन नहीं। अरे मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, फिर मैं उसमें कोई मजा नहीं आया, फिर इस पार्टी। आपने सबकी सरकार देखी अच्छे से? बहुत समय से बहुत देखी। बहुत देखी। तो मैं गांव का मुखिया भी रहा, 87 ब्लॉक समिति में भी रहा हूँ। तो गाँव में बदलाव आया है कुछ? हाँ, गाँव बिजली पानी पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है? हाँ सब ठीक, हर चीज़ पहुँची है। किस गाँव से है? मैं हरियाणा का हूँ। अच्छा हरियाणा के, वहाँ भी काम हो रहा है? हाँ खूब हो रहा है, खट्टर है वहाँ का मुख्यमंत्री। हाँ खट्टर है। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ तो इस चुनाव मेरे 2000 थे, 3 कर दिए बुढ़ापे के पेंशन के। हाँ हर महीने बैंक में आ जाते हैं मेरे, बढ़िया काम हो रहा है, मतलब खुश हैं। हाँ चलिए अच्छी बात, आदमी के हक का आदमी हूँ मैं, जो अच्छे काम करेगा उसके तरफ रहा, और पार्टी का मालिक वो नहीं हूँ मैं।